सोलन में अक्षय तृतीया पर आभूषणों की दुकानों पर भारी रश देखने को मिला। अक्षय तृतीया पर भारतीय परंपराओं को निभाने के लिए महिलाओं ने जमकर आभूषणों की खरीदारी की। आभूषणों की दुकानों पर खरीदारों का रश देखकर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि महिलाओं की खरीदारी पर जीएसटी असर नहीं डाल पाया है। दुकानदार भी आज के दिन बेहद खुश नजर आए। इस मौके पर खरीदारों का कहना है कि आज के दिन को सर्व सिद्धि मुहूर्त कहा जाता है और आज के दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, इसीलिए वह सोना खरीदने के लिए आए हैं और जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं आभूषण खरीदने आई युवती ने बताया कि वह आज के दिन आभूषण जरूर खरीदती हैं। उन्होंने कहा कि आज से 20 वर्ष पहले भी आभूषण महंगे थे और आज भी वही स्थिति है, इसीलिए उन पर महंगाई का खास असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि वह डिजिटल इंडिया में विश्वास रखती हैं तो ऑनलाइन खरीदारी करने में विश्वास करती हैं। जैसे कि आज अक्षय तृतीया है तो एज ये परंपरा है तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। डिस्काउंट मिल रहा है आज यहाँ पे काफ़ी, तो इसलिए 20% का डिस्काउंट मिल रहा है और डिजाइन्स भी बहुत यूनिक है। जहाँ तक एटीएम की बात है, आप हमेशा स्वाइप करके अपनी वो कर सकते हैं। वैसे भी हम तो कैशलेस इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी, जहाँ तक महंगाई की बात है, आज से 20 साल पहले भी जब लोगों के पास कम पैसा था तब भी गोल्ड महंगाई था, आज भी अब पैसा भी ज़्यादा है तो गोल्ड अभी भी उतना महंगाई है, तो है तो इन्वेस्टमेंट ही। आप सभी जानते हैं कि मेरा विवाह अपने बहुत नज़दीक है, तो आज का एक शुभ दिन को देख करके हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आज ही हम लोग शॉपिंग करेंगे। मैं अपनी मिसेज के साथ थोड़ी सी शॉपिंग के लिए आया हूँ। हालांकि कुछ कारणों से मार्केट में पैसे की कमी है, पर फिर भी थोड़ा सा तो शगन जरूर करेंगे। देखो सर, इसीलिए खरीद रहे हैं कि एक सर्व सिद्धि मुहूर्त है और आज कोई भी जो है सोने की जैसे कोई भी आभूषण है इसको अति शुभ माना गया है। हमारे सनातन धर्म में चार स्वयं सिद्ध मुहूर्त है जिसमें से एक अक्षय तृतीया का भी बहुत ही महत्व है। वहीं आभूषण विक्रेता ने कहा कि आज जितनी उम्मीद थी उस तरह से महिलाएं खरीदारी करने नहीं आई। उन्होंने कहा कि आज बैंकों की एटीएम भी नहीं चल रहे थे जिसकी वजह से उन्हें भारी हानि उठानी पड़ी। हाँ, असर बहुत दिख रहा है जी, पब्लिक खुल के शॉपिंग के लिए नहीं आ पा रही। दो चार लोगों से आज भी मेरी बात हुई, मैंने कहा भी आज बड़ा त्यौहार है, आप आओ परचेजिंग करो, बहुत अच्छा दिन है आज का। तो उनका ये कहना, यार अभी तो राशन के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं, एटीएम जा रहे हैं, एटीएम खाली मिल रहा है, तो ये तो फिर लग्जरी आइटम है तो ये हम बाद में लेंगे। नहीं, रिस्पॉन्स ठीक है जी, रिस्पॉन्स सही आ रहा है जी, लेकिन जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं है।